सो गाइस, आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि वन प्लस कंपनी भी चाइनीज है एंड MIUI जो कि शाओमी कंपनी वो भी चाइनीज है। सो यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है दोनों में एंड्रॉइड ही है, बट यहाँ पर जो है नाम अलग अलग है एंड कुछ फीचर्स अलग अलग हैं। सो यहाँ पर जो वन प्लस है उसमें आता है ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम और जो शाओमी आता है उसमें आता है हमें MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पर क्यों वन प्लस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे यहाँ पर माना जाता है फास्ट, स्पीड, सिक्योरिटी हर चीज़ के मामले में, एंड जो दूसरी तरफ है MIUI उसे यहाँ पर माना जाता है। सो यहाँ पर और यहाँ पर का डिफरेंस जो है बीच में वो क्यों है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड यहाँ पर क्यों जो है दोनों चाइनीज़ कंपनी अलग अलग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती हैं इसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए, एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि यहाँ पर चैनल में कोको का जादू चलता रहता है, तो अपने को कोको का जादू मांगता है। अगर आप कोको फेंक के मारो या वन प्लस फेंक के मारो या MIUI फेंक के मारो, अपने को चैनल सब्सक्राइब मांगता है घंटी भी दबाने का, समझे क्या? नहीं तो पार्ले जी खाना पड़ेगा। सो गाइस, दिस इज विजय एंड बिना कोई टाइम इसकी चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइस, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको दो ऑप्शन मिले MIUI या ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम, आई नो मोस्ट ऑफ द यहाँ पर यूजर है ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, सो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, एंड क्यों सेलेक्ट करेंगे वो भी बताना, आपके लिए क्या चीज़ यहाँ पर मेजर प्रायोरिटी है फोन में। सो गाइस, पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि क्यों दोनों कंपनी अलग अलग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पर जानते हैं कि दोनों कंपनी में जो है हमें एंड्रॉयड देखने को मिलता है। सो एंड्रॉयड एक ऐसा सोर्स है, बहुत ओपन सोर्स है। सो यहाँ पर जो है कंपनी इसे अपने तरह से मॉडिफाई करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दे के उसे लॉन्च कर सकती है अपने न्यू फ़ोन के साथ। सो यहाँ पर जो वन प्लस कंपनी है वो अलग है चाइना में ही, हालांकि चाइना कंपनी है, जिस तरह कंट्री में जो है डिफरेंट कंपनीज होती है उस तरह चाइना में एक वन प्लस की कंपनी है, एक है शाओमी की कंपनी। सो दोनों यहाँ पर जो है अपने सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, एंड यहाँ पर दोनों जो है अलग अलग फ़ोन में प्रोवाइड करते हैं अपना सॉफ्टवेयर। सो इसलिए यहाँ पर जो है हमें जो है ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम वन प्लस में देखने को मिलता है एंड MIUI जो है शाओमी के फ़ोन में देखने को मिलता है। सो गाइस, यहाँ पर पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि क्यों ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम को लोग इतना प्यार करते हैं। पहली चीज़ आती है ब्लोटवेयर। सो ब्लोटवेयर का मतलब जिन्हें नहीं पता उनको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, फालतू के सिस्टम ऐप्स या फालतू के ऐप्स जो आपके फ़ोन में प्रीलोडेड आते हैं। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि MIUI के फ़ोन में आपको दुनिया भर के ऐप्स मिल जाएंगे, जैसे ही आप अपने एक न्यू फ़ोन को जो है पूरा सेटअप करके खोलते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके सामने 10 ऐप 15 ऐप ऐसे ही फालतू ऐप्स होंगे जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है पहले से ही फ़ोन में डाल के, क्योंकि उनका टाई अप रहता है एड्स कंपनी से। सो यहाँ पर इसलिए जो है वो सारे ऐप्स आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर बात करें वन प्लस की, सो यहाँ पर वन प्लस को माना जाता है वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंड्रॉइड। सो यहाँ पर जो है आपको ब्लोटवेयर बिल्कुल भी नहीं या बहुत ही कम आपको देखने को मिलते हैं, एंड जो भी मिलते हैं उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। शाओमी के जैसे नहीं कि वो अपना ही MI पे, MI क्रेडिट, MI ये ढिंका फलाना सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, उसे हम अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर वन प्लस के केस में ऐसा नहीं है, उनके कुछ ही गिने चुने ऐप आपको देखने को मिलेंगे एंड उनमें से भी आप बहुत सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऐप्स जितने कम होंगे उतने ज़्यादा आपका रैम यूसेज कम होगा। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वन प्लस जो है मेजर टारगेट करती है परफॉर्मेंस के ऊपर, एंड MIUI टारगेट करती है बिल्कुल यहाँ पर परफॉर्मेंस को गिराने के ऊपर। अबे साले, सो नाउ यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है ऑप्टिमाइजेशन। सो जैसे ही आप सब जानते हैं जितने ज़्यादा ऐप होंगे उतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंड यहीं पे बात करें वन प्लस की तो उसमें गिने चुने ऐप रहते हैं बस, बट उसका जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है उन ऐप्स के प्रति, या जो भी सेटिंग्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके जो प्रति है पूरा ऐप्स में जो है ऑप्टिमाइजेशन आपको 100% देखने को मिलेगा, तभी जो है वहाँ पर लैग वगैरह के इशू आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं एंड आपको प्योर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है अपने ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम से। बट उसी तरह हम बात करें यहाँ पर MIUI की, तो जितने ज़्यादा ऐप होंगे अगर उतनी ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होगी तो आपका फ़ोन परफॉर्मेंस अच्छी देगा, बट MIUI में केस ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐप आपको दे देंगे दुनिया भर की एंड बोलेंगे कि इसे आप खुद ऑप्टिमाइज़ करो। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे बिल्कुल ये लोग काला धंधा चला रहे हैं, मतलब कि ऑप्टिमाइज़ कर ही नहीं रहे हैं फ़ोन को उस हिसाब से, बिकॉज यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में ऐप ज़्यादा हैं तो ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं है तो आपका फ़ोन लैग होगा, फ्रीज़ होगा, आपका फ़ोन क्रैश होगा, ये होगा, ढिंका फलाना होगा, ढिंचक पूजा भी हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी होती है, जो यहाँ पर MIUI वाले बिल्कुल नहीं देते हैं। यहाँ पर पहली बात ये है कि वो अपने दुनिया भर के फ़ोन लॉन्च कर देते हैं ताकि वो दुनिया भर में अपना जो है
एक्सपैंड कर सके बिजनेस। अगर वो अपने फोन गिने चुने बेचते तो हमें यहाँ पर अपडेट्स रेगुलरली मिलते एंड ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी अच्छा मिलता। बट यहाँ पर MIUI का केस ऐसा नहीं है, Xiaomi वाले हर महीने हर दूसरे महीने एक एक फ़ोन या दो तीन फ़ोन एक साथ लॉन्च करते हैं एंड उसके 10 वेरिएंट करेंगे, एक चाइना के लिए, यूरोप के लिए, इंडिया के लिए। तो यहाँ पर आपको सीधी सी बात है कि ऑप्टिमाइजेशन और सॉफ्टवेयर जो है बहुत ढीले के साथ मिलेगा एंड जो भी मिलेगा बिल्कुल टट्टी तरह का आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस कर देगा आपके फ़ोन का। नाउ यहाँ पर आता है तीसरा पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे जो है हमारा डेवलपमेंट होता है यहाँ पर टेक्नोलॉजी में, हमें एक अपडेट चाहिए रहता है। उसी तरह फ़ोन को एक अपडेट चाहिए रहता है कुछ टाइम बाद, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हो या कुछ भी चीज़ से रिलेटेड हो जो कि फ़ोन में यूज़ होता है। सो यहाँ पर क्या होता है, OnePlus के जो फ़ोन हैं काफ़ी गिने चुने फ़ोन आते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही गिने चुने, साल में एक बार लॉन्च करते हैं, कुछ कुछ फ़ोन लॉन्च करते हैं एंड उसके बाद जो है उन्हीं फ़ोनों में वो थोड़ी तरक्की करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट देके। बट यहाँ पर केस अलग है Xiaomi वालों का। Xiaomi वाले हर हफ्ते, हर वीक, हर 4-5 हफ्ते या हर महीने में बोल सकते हैं 2-3 फ़ोन लॉन्च करते रहते हैं। सो यहाँ पर फ़ोन तो लॉन्च करते हैं बट उनके सॉफ्टवेयर अपडेट वो लॉन्च नहीं करते हैं। बट यहाँ पर ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। आपको जो भी मार्केट में जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड वर्जन जो भी लेटेस्ट देखने को मिलेगा, वो आपको जो है OnePlus में सबसे पहले या बोल सकते हैं गूगल के बाद जिसको मिलता है वो होता है ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पर आपको इतनी तेज़ी से मिलते हैं ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन कम लॉन्च हुए तो ऑब्वियसली जो है आपको अपडेट ज़्यादा देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी ऑप्टिमाइज अपडेट भी देखने को मिलेंगे। कुछ मेजर बग होगा तो वो तुरंत उसे ठीक कर देते हैं। बट MIUI के केस में ऐसा नहीं है, दुनिया भर के फोन लॉन्च करते हैं उसके बाद अपडेट के नाम पे वो बाबा जी का ठुल्लू देते हैं। सो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तो आपका फोन ऑफ कोर्स यहां पर लैग करेगा। सो गाइस यहां पर चौथा पॉइंट आता है कि प्योर परफॉर्मेंस एंड यहाँ पर लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन। सो यहाँ पर कस्टमाइजेशन जो है ऑफ कोर्स मैं बोलूँगा कि आपको MIUI के फ़ोन में ज़्यादा देखने को मिलता है, बट ऑप्टिमाइजेशन नहीं है तो फ़ोन आपका लैग होता है। उसी तरीके से बात करें यहाँ पर OnePlus की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, लाइक आपको ऐप लॉक मिल जाएगा, पैलेट स्पेस वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बट वहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा है कि आपका फ़ोन लैग नहीं होता है। यहाँ पर मेरे पास फ़ोन है पिछले साल का जो फ्लैगशिप वाला फ़ोन था K20 Pro, इसमें था स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर। सो अगर आप इसमें अभी जो है MIUI की लेटेस्ट रोम डालेंगे तो उसके बाद जो है ये आपके फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरी परफॉर्मेंस की ऐसी तैसी कर देगा। सो एक फ़ोन जो फ्लैगशिप लेवल का वो बना है परफॉर्मेंस के लिए, उसे इन लोगों ने सॉफ्टवेयर के साथ बना दिया खिलौना। सो इससे अच्छा तो वो खिलौना आता था जो बचपन में हम बटन दबाते थे गाने चल जाते थे। यहाँ पर जो है इतना लैग होता है परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पर जो हमारा फ़ोन है उसमें, तो मैं सोच रहा हूँ कि नीचे वाली जो कैटेगरी है मिड रेंज, उनके तो फ़ोन की क्या हालत होगी जब इतना हैवी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे वो। सो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर बात करेंगे वो है बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। सो यहाँ पर आपके फ़ोन का ऑप्टिमाइजेशन जितना ज़्यादा खराब होगा उतना खराब बैटरी बैकअप है। बट यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि MIUI के फ़ोन की जो है एक अच्छी बात है कि आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा अगर OnePlus के साथ, तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर OnePlus के फ़ोन जो है कुछ कम mAh की बैटरी के साथ आते हैं देन द Xiaomi के फ़ोन आएंगे 4000-4500, बिल्कुल बोली इनकी ऐसे लगती है कि 5000-5001-5002-6000-6001-6002, अगले साल 7000 का भी आ जाएगा। सो यहाँ पर इस तरह से जो है आपको, बट मैं बोलना चाहूँगा कि MIUI में जो है बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलता है। बट यहाँ पर कुछ कुछ अपडेट ऐसे निकल के आते हैं जिनसे जो है आपकी बैटरी आपके बिल्कुल तबाह हो जाती है, आपको खाली स्क्रीन ऑन टाइम 4-5 घंटे का देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम कुछ स्टेबल रोम की बात करें तो MIUI में ही आपको मैं बोलूँगा 7-8-9 घंटे तक का भी स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर बैटरी बैकअप मैं ये नहीं बोलूँगा कि OnePlus की खराब है, OnePlus की बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से वो भी ठीक है एंड वहाँ पर आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, रैप चार्जर वगैरह देखने को मिलता है। सो वहाँ पर बैटरी भी काफ़ी तेज़ी से चार्ज हो जाती है। सो गाइस ये सारे वो पॉइंट्स थे जिनकी वजह से जो है ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है एंड MIUI का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है। इसी वजह से जो है MIUI के फ़ोन जो हैं उसमें लोग कस्टम रोम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्पेसिफिकेशन फ़ोन की ख़राब रहती है, फ़ोन की स्पेसिफिकेशन ख़राब बिल्कुल नहीं रहती, अच्छा खासा आपको बजट में जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। बट वही है कि आपको सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं मिलेगा तो आपके फ़ोन का एक्सपीरियंस ख़राब होगा, वो सारी चीज़ों को जो है कमियाँ पूरी करती है कस्टम रोम। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपर्स हैं जो हमारे फ़ोन को रेगुलरली अपडेट्स देते रहते हैं ऑफिशियल रोम्स के थ्रू, सो उनको आप इंस्टॉल करके जो है अपने फ़ोन का जो है बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकते हैं।
सो काफ़ी सारी वीडियो बनाई मैंने कस्टम रोम के रिगार्डिंग, वो वीडियो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। सो गाइज आप सभी की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइज इस वीडियो को हम यहीं पेंड करेंगे, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर देना। सो मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग धासुवाड़ वीडियो साथ, टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइज आज का विचार काफ़ी उच्च श्रेणी का विचार है, ध्यान से सुनिएगा। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता खुद बनाना है।